epithelial tissues types and functions first the contents epithelial tissues basement membrane and the functions of epithelial tissues so first the definition of epithelial tissues epithelial tissues are actually the renewable sheets of cells which covering the outermost uh, layer or outermost surface of different organs or they are lining the inner body parts सो so, स्टूडेंट्स अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें ऐपी का लफ्सी मतलब क्या होता है बाहर वाला सबसे ऊपर वाला एनथीलियम कहते हैं एक लेयर को तो एपिथेलियल टिश्यूज़ बेसिकली सेल्स की या टिश्यूज़ की कैसी टाइप है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन के आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है उसको लाइन करती है और इसी तरह से आउटर मोस्ट बाउंड्री के साथ जो ट्यूबुलर पोर्शन है बॉडी के अंदर जैसे स्टॉमिक है या फिर इसके अलावा लंग्स हैं या जितने भी ट्यूबुलर पोर्शन ऐसे बॉडी ऑर्गन जिनके अंदर हालो स्पेसिस हैं उनकी जो लाइनिंग्स हैं ट्यूबुलर पोर्शन के दे आर आल्सो लाइन बाय द एपिथेलियल टिश्यूज़ जिससे आउटर अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें आउटर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो हमारी स्किन आवर स्किन इज मेड अप ऑफ एपीथिलियम हमारी स्किन की आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एपिथिलियम है जो पूरे बॉडी को कवर कर रही है सिमिलरली जो विजल ऑर्गन्स हैं जैसे अभी मैंने कहा है कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हार्ट है लंग्स हैं किडनीस हैं उनके हिसाब से जो बाहर वाली लेयर है दैट इज़ आल्सो एपीथीलीम और इस तरह से अगर उनके अंदर स्पेस है कैविटी है तो कैविटी की जो लाइनिंग होगी वो भी बेसिकली एपीथिल टिश्यूज़ होंगे एपीथिल टिश्यूज़ की जो खास बात ये होती है कि दे आर कंटीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स आमतौर पर जो सेल्स होते हैं एपीथीलीम के वो डिवाइड ऊपर वाले एपीथीलीम अगर कहीं से स्लाफ ऑफ होगी या उतर गई स्पेशली जो डाइजेस्टिव ट्रैक की एपीथीलीम है वो कंटीन्यूसली रिमूव होती रहती है जैसे हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल्स जो होते हैं वो हमारे जो खाना खाने के साथ साथ क्या आते हैं कि ऊपर से मैंब्रेन के जो सेल्स हैं वो उतरते रहते हैं तो इसका मतलब है कि एपीथीलियम ऊपर से उतरती रहती है नीचे से नई एपीथीलियम बनती रहती है एपीथीलियम को जो बाकी सेल्स से सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है दैट इज़ द बेसमेंट मैंम्ब्रेन बेसमेंट बेसमेंट मैम्ब्रेन बेसिकली एपीथीलीम और इसके नीचे जो एंडोथीलीम है या बाकी जो सेल्स हैं इसके जहाँ वो उनसे क्या करती है इससे कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह से क्या करती है? है इसको सेपरेट करती है डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास लॉन्ग जो -like, कॉलोनर सेल्स हैं कॉलम लाइक पिंक कलर के सेल्स हैं दे आर एपिथेलियल टिश्यूज और इसके नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़ के दरमियान में जो एक लेयर बन रही है दैट इज़ एक्चुअली द बेसमेंट मेम्ब्रेन तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली मैट्रिक्स होता है जो एक डिफरेंट नॉन सेलुलर मटेरियल है जो आमतौर तो पर क्या करता है कि एपीथीलीम uh, को सेपरेट करता है फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज वाट आर द फंक्शन ऑफ एपीथीलियम एपीथीलीम के अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एपीथिलियम कहाँ कहाँ मौजूद है नंबर वन एपीथीलीम हमारे बॉडी के आउटर मोस्ट जो है वो लेयर बना रही है अब आउटर मोस्ट जब लेयर बना रही है तो इसका तरह के आउटर मोस्ट जितने भी स्किन के जितने भी जो फंक्शन हैं वो एपीथिलियम परफॉर्म करेगी कौन कौन से फंक्शंस हैं सेंसेशन है जैसे हमें कोई चीज़ टच करे तो हम वी कैन फील इसका एक सेंसरी ऑर्गन जो है वो कहाँ मौजूद है स्किन के अंदर मौजूद सेंसेशन का पार्ट जो है वो फंक्शन से जो है वो एपीथिलियम परफॉर्म करेगी सिमिलरली टेस्ट बर्ड्स हैं हमारी तो जो टेस्ट से रेलिवेंट काम है वो इसका होगा अगर इंटरनल बॉडी ऑर्गन में देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स जैसे जो इंटस्टान है इट्स वर्क इज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रींट्स स्मॉल इंटस्टान है ये लार्ज इंटस्टान दे आर एब्जॉर्बिंग तो कोलेक्टिवली अगर हम देखें देर आर मैनी फंक्शन ऑफ एपिथीलियम जिसको अगर हम फ्यू फंक्शन जो है इसमें एब्जॉर्बशन है देन ट्रांसपोर्टेशन है देन एक्सक्रीशन है देन प्रोटेक्शन है देन सेंसरी फंक्शन एंड द सेक्रीशन अच्छा अब इसमें अगर हम देखें जो प्रोटेक्शन का काम है वो स्किन कर रही है सिमिलरली जो सक्रीशन है वो हमारे ग्लैंड जो हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको हमारे जैसे सलाइवरी ग्लैंड है स्टोमिक के अंदर ग्लैंड मौजूद हैं या इंटस्टॉन के ग्लैंड हैं ये सारे के सारे ग्लैंड बेसिकली एपीथीलीम की मॉडिफिकेशंस हैं इसी तरह से एक्सक्रीशन स्वेट ग्लैंड में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जो साल्स सा हैं वो एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से तो स्वेट ग्लैंड बेसिकली क्या एपीथीलीम की एक मॉडिफिकेशन है जो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें तो जैसे ब्लड वेजल्स हैं आर्टरीज कैपिलरीज और उसके बाद व जैन के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड वेजल्स की जो लाइन्स हैं दे आर एक्चुअली द एपीथिलियल इन नेचर वो एपीथिलियम की बनी होती हैं हेव वी हैव सम डायग्राम्स अगर इसमें देखें तो जो सबसे टॉप पे हमें जो है नेफ्रॉन की डायग्राम है तो इसमें जो ये ट्यूबुलर फंक्श स्ट्रक्चर है तो ये नेफ्रॉन बेसिकली एपीथिलियम की सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है जिसका डिफरेंट फंक्शन है किडनी के अंदर इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन में एक तो ये यूरिन जो है वो जिसकी फार्मेशन हो तो यूरिन क्या करेगी ये नेफ्रॉन के थ्रू ट्रैवल करके यूरिनरी ट्रैक में जाएगी किडनी से जो वो तो दूसरा फंक्शन है इंटस्टाइन के अंदर अगर हम देखें ये सेकंड टॉप जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें ये बेसिकली इंटस्टाइन की स्मॉल इंटस्टाइन की एक स्ट्रक्चर बताया गया क्रॉस सेक्शन है तो स्मॉल इंटस्टाइन की जो एपिथिली में माइक्रो विलाई और विलाई बना रही है और जिसका काम एब्जॉर्प्शन है इस तरह से नीचे अगर आप देखें तो गिल्स हैं गिल्स जो होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए हैं गिल्स भी बेसिकली क्या है कि ये एपीथिलियम है इसके ऊपर इस तरह से जो किड किडनी इसके लंग्स के हमारे पास जो है वो एलव्यूलाए हैं देख रहे हैं जिसने गैश एक्सचेंज में रोल प्ले करना है इस तरह से नेक्स्ट डायग्राम में आपके पास दो टेस्ट बर्ड्स आप देख रहे हैं टेस्ट बर्ड्स का सेंसरी फंक्शन है ये एपीथिलियम है इसी तरह से अगले क्रॉस सेक्शन में आप स्टोमक की वाल देख रहे हैं स्टोमक के ऊपर जो गैस्ट्रिक पेट्स हैं यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं दे आर एपिथेलियम वो एपिथेलियम के ही बने होते हैं जिसने सेक्रेशन देनी है